गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी ई पाठशाला में स्वागत है। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वर्णों से बने अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द कहते किसे हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं वर्णों से बने अमात्रिक शब्द। ऐसे शब्द जिसमें स्वराएं नहीं लगी हो, जैसे आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे मात्राएं किसी भी शब्द में न लगी हों, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, अमात्रिक शब्द कहेंगे। चलिए उदाहरण में हम जानते हैं कि अमर चल, तो अमर चल में कहीं भी कोई भी बड़ी ई, छोटी ई जैसी कोई भी मात्राएं नहीं लगी हैं, तो ये हमारे शब्द क्या कहलाएंगे, अमात्रिक शब्द कहलाएंगे। और मात्रिक शब्द वो कहलाते हैं जिनके आगे छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ जैसे शब्द लगे हों, तो वो मात्रिक शब्द कहलाते हैं। और अमात्रिक शब्द कौन से कहलाते हैं, जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगी हों, वो क्या कहलाती हैं, अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। जैसे झटपट, थर्मस, भर, तो झटपट, थर्मस, भर, इन शब्दों में कहीं भी कोई मात्राएं नहीं लगी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अमात्रिक शब्द कहेंगे। तो आइए आज हम आप लोग को और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कटहल, कटहल, ये शब्द अमात्रिक है या मात्रिक है, तो क्या है, ये अमात्रिक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मात्राएं नहीं लगी हुई हैं। जैसे अब पढ़ेंगे बरहज, तो बरहज में क्या है, ये अमात्रिक है कि मात्रिक है, अमात्रिक है, इसमें भी कोई भी मात्राएं नहीं लगी हुई हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे देवरिया, तो देवरिया में द पे एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएंगी, मात्रिक शब्द हो जाएंगे। चलिए हम सब लोग प्रश्न उत्तर को पूरा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पूरा करें, ये क्या है, न, तो इसमें क्या भरेंगे हम, हाँ, तो क्या हो गया, न, ह, र, नहर, ये क्या है, अमात्रिक शब्द है ना। अब चलिए दूसरा हम भरते हैं क, ल, श, कलश, ये भी क्या हो गए, अमात्रिक शब्द हो गए। अब हम भरेंगे ह, व, न, हवन, ये भी हमारे क्या हो गए, अमात्रिक शब्द हो गए। तो आप सब लोग इसको अपने अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।